नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मैं मोनिका सोनी। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों का। नए कृषि कानूनों के विरोध में बैठे पंजाब हरियाणा के सिख किसानों को साधने के लिए भारतीय रेलवे सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। पंजाब के अमृतसर में शुरू और समाप्त होने वाली ये 11 दिवसीय यात्रा कम से कम 4 प्रमुख गुरुद्वारों को कवर करेगी। आपको बता दें, इनमें अमृतसर में हरमिंदर साहिब, बिहार की राजधानी पटना में पटना साहिब, महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुजूर नांदेड़ साहिब और भटिंडा में दमदमा साहिब शामिल हैं। इस ट्रेन में अंबाला, सहारनपुर, लखनऊ, मनमाड़, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, भटिंडा और अमृतसर सहित कई स्टॉपेज होंगे। इसके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच गुरुवार को 2+2 आधारित बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन और मॉरिस फाइने से मुलाकात की। वहीं चारों नेताओं ने आर्थिक मुद्दों, साइबर सुरक्षा, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया। इसके साथ केंद्रीय नागरिक उद्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को तेलंगाना के मंत्री के टी राम राव के साथ राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं को घर घर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 16 ग्रीन जोन को चुना गया है। सिंधिया ने आगे कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार द्वारा लाई गई नई ड्रोन नीति ने हाल ही में देश में ड्रोन संचालन के नियमों को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा, इसके लिए सरकार ने फॉर्मों की संख्या और शुल्क के प्रकारों को कम कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन के तहत ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, जबकि येलो जोन में परमिशन की जरूरत होती है, जबकि रेड जोन नो फ्लाई एरिया है। इसके साथ मुंबई के साकिनिका इलाके में दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। 32 साल की दुष्कर्म पीड़िता का इलाज घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल प्रशासन ने भी पीड़िता की मौत की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 21 सितंबर तक उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान के बहाने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर हमले हो रहे हैं। तालिबानी शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में सबसे ज्यादा निशाने पर सपा है, जिसमें सपा पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपा मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। आपको बता दें, भाजपा सोशल मीडिया को तब तक सपा पर हमले जारी रखने को कहा गया है जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तालिबान राज्य की चर्चा हो रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सरदार धाम फेज 2 बालिका छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजा की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश भी गणेश पूजन इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर हो रहा है। पीएम मोदी ने शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को याद करते हुए कहा कि आज ही के ही दिन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।